तो ये देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर इमोट अप्लाई हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है जोल और आप देख रहे हैं इंडियन गेमर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं एनपीसी इमोट मोड को। सो इमोट को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने एनपीसी से इमोट कर सकते हैं, जैसे कि आप उससे हैंडशेक वगैरह कर सकते हैं। सो इमोट को इंस्टॉल करने के लिए आपका गेम पहले से मोड रहना चाहिए। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हॉट मोड GTA 5, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपका गेम पहले से मोड है तो आइए आगे का स्टेप कंप्लीट करते हैं। सो हम इस मोड को GTA5mods.com से डाउनलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। सो अभी हम लोग कर लेते हैं इसका एक्सट्रैक्ट। सिंपल से हम लोग करेंगे इस पर राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक। सो हम इसको विनरार की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको विनरार का लिंक मिल जाएगा। सो इसके अंदर हम लोग को ये दो फाइल मिलेगा, इन सबको करना है हम लोग को अपने स्क्रिप्ट फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप मेन डायरेक्टरी में अपने GTA 5 के। ओके, तो अभी हम लोग खोल लेते हैं अपना GTA 5 का डायरेक्टरी। डायरेक्टरी खोलने के लिए आप सिंपल से अपने GTA 5 के आइकन पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे मेरा मॉड का फोल्डर खुल गया और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा GTA 5 का डायरेक्टरी। तो हम लोग अपने डायरेक्टरी में चल जाएंगे स्क्रिप्ट्स और यहाँ से emotes.dll और ये emotes, ये दोनों कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। सो ये देख लीजिए ये दो फाइल यहाँ पर आ चुका है हम लोग के GTA 5 के स्क्रिप्ट फोल्डर में। ओके, तो हम लोग का मॉड यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। सो हम लोग अब आपको गेम में मिलते हैं। सो भाई लोग, आप देख सकते हैं हम अपने GTA 5 में आ चुके हैं। सो अभी आपको अपने कीबोर्ड पे J प्रेस कर लेना है। तो अभी आप देख लोगे ये यहाँ पर आपको एक इमोट का ये मेन्यू खुल जाएगा J प्रेस करने पर। ओके, तो आपको यहाँ बहुत सारा इमोट मिल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग को ये एक इमोट अभी NPC के साथ कर लेते हैं। तो हम ये पहले से ये अमेंडा को यहाँ पर स्पॉन कर लिए हैं। आप ये नॉर्मल ये जो बाहर में सब घूमता है इसके साथ भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों सामने में खड़ा हो। ओके, मतलब कि ये होता है ना कि इसका फेस कहीं और है और ये कहीं और दिख रहे, तो ऐसा नहीं है, आपको इसके सामने सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको सामने में खड़ा कर देते हैं। सो अभी आप देख लीजिए ये दोनों सामने सामने में खड़ा है। तो वापस से हम लोग अपना कोई भी इमोट को चूज़ कर लेंगे, जैसे कि अभी हम ये कर लेते हैं डांस को। ओके, एक सेकेंड, हाँ ठीक। तो ये देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर इमोट अप्लाई हो चुका है, दोनों साथ में डांस कर रहा है। ओके, तो यही हम बोलना चाहेंगे कि आप ये देख लीजिए, ये सामने में खड़ा होगा तभी आपका ये अच्छा से वर्क करेगा, वरना ये कहीं और इस तरह डांस कर रही है और आप कहीं और, तो ऐसा कुछ दिक्कत हो जाता है। ओके, तो हम एक और बात बता देंगे कि हम अपना 2-3 दिन के अंदर अपना चैनल का नेम चेंज करके इंडियन GTA गेमर कर ले रहे हैं, क्योंकि भाई मेरा यूट्यूब पर चैनल शो नहीं होता है, इसलिए हम अपना नेम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन गेमर से इंडियन GTA गेमर कर ले रहे हैं। और 2-3 दिन बाद हो सके तो हम अपना लोगो भी चेंज कर लेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।